मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान ने भी फरमाया और हमको जो कलमा हम पढ़ते हैं उसमें भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो डेटी बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कलमा किसका है और कलमा पढ़ने का राइट किसको है और कलमे पर ईमान किसका है? बहुत सिंपल बात है, मैं आपसे पूछता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? तो जब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये कुरान भी बता रहा है और कुरान ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये किसी ऐसे वैसे का कलाम नहीं है, हम तुम जैसे का कलाम नहीं है, किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये उसका कलाम है जो हय्यु क़य्यूम है, ये उसका कलाम है, उसकी सिफत है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो इससे पता लगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जैसे कल रसूल थे वैसे ही आज रसूल हैं और कयामत तक रसूल रहेंगे। और जब वो अल्लाह के रसूल है तो बोलो थे कि हैं? हैं का मतलब यह है कि वो जिंदा है। हमारा दीन इस्लाम ये वो दीन नहीं है जिसमें बुनियाद फाउंडेशन मौत पर हो। हमारा दीन इस्लाम वो दीन है कि जो इस दीन का कलमा पढ़ लेता है और इस दीन के लाने का जो कलमा लाने वाले का कलमा पढ़ लेता है तो वो दीन इस्लाम हमको ये बताता है कि वो दीन लाने वाला भी जिंदा और जो उसका कलमा पढ़ ले वो भी जिंदा है और रहेगा। क्या